श्री हुकुमदेव नारायण यादव। महोदया, मैं भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि लगातार पिछले 3 साल से मैं इस विषय को उठाते आ रहा हूँ, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की जा रही है। आप भी जानते हैं कि पटना में जो महात्मा गांधी सेतु है, वह निर्माण काल से ही इतना खराब बनाया गया कि उसकी हालत बहुत जर्जर है, और पिछले 7-8 साल से 200 करोड़ रुपया उसके मरम्मती पर खर्चा किया जा चुका है, फिर भी उसका एक लेन ही अभी कारगर है और दूसरा लेन कारगर नहीं है। कहीं कहीं वह पुल 1 फीट से 1.5 फीट तक उसका स्पैन धस गया है। वह पुल बनाने वाला कौन था, उसने बनाने में जो गलती की है उसकी जांच क्यों नहीं सरकार करना चाहती है? जो यहाँ NHAI वाले हैं, अब ये NHAI का जिम्मा वो पुल चला गया है, अब NHAI वाले और NH वाले कहते हैं कि वह पुल बिहार सरकार का इंजीनियर बनाया था, इसलिए हम उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो वो पुल का स्ट्रेंथ कितना है? जिस समय वो पुल बना था उस समय 12-14 टन का ट्रक चलता था, आज उस पुल पर 100 टन का लोड लेके ट्रक चल रहा है। उस समय कोई NH नहीं था, अब गंगा पुल के पार होते ही NH 103 है, जो मुसरी घराड़ी समस्तीपुर है, हाजीपुर से लेके मुजफ्फरपुर तक 4 लेन है, हाजीपुर से लेके छपरा सिवान गोपालगंज तक 4 लेन है। अब इतना लोड उस पुल पर पड़ रहा है, और किसी समय ऐसा हो सकता है कि 100-150 ट्रक और गाड़ी के लिए हुए ही गंगा के पेट में न वो पुल चला जाए, तो ऐसी बड़ी दुर्घटना होने वाली है। तो मेरी मांग सीधी है, नंबर एक कि वह पुल बनाने वाली जो कंपनी थी उसकी जड़ से जाँच की जाए, और अगर उसने आर्किटेक्चर उसमें फॉल्ट है तो उसकी जांच करके उस कंपनी को सजा दी जाए। दूसरा, उसके लॉक करने का जो सिस्टम लगा था वो फेल हो गया है, तो जिसने एक लॉक सिस्टम दिया था, जिस कंपनी ने जो टेक्नोलॉजी दिया था, उस कंपनी के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। और तीसरा कि वह पुल अब वर्तमान में पूरा लोड लेके नहीं चल सकता है, तो उसके बगल में NHAI को एक नया पुल बनाना चाहिए जो कि पूरा सा पूरा लोड लेके उस पर जा सके। ये 3 बात तुरंत सरकार को ध्यान देना चाहिए, और जो कंपनी ने गड़बड़ किया, इतना बड़ा देश के साथ धोखा दिया है, इतना पैसा घोटाला किया है, उन सब के ऊपर कार्रवाई की जाए, मुकदमा चलाया जाए, ब्लैक लिस्टेड किया जाए, यही मेरी मांग है।